हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर सेजल एंड आई होप यू आर गुड। गाइस, आज मैं आपके लिए कराई हूँ टीबीसी की चारकोल फेशियल ब्लीच का रिव्यू। इससे पहले गाइस, मैं टीबीसी की डायमंड एंड पर्ल गोल्ड का जो ब्लीच का रिव्यू है वो मैं कर चुकी हूँ। अगर अब तक आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर चेक कर सकते हैं। और इससे पहले गाइस, मैंने बहुत सारे ओलिविया का एंड ऑक्सी लाइफ का और भी बहुत सारे ब्लीचेस का जो है रिव्यू किया हुआ है। आपको क्या क्वांटिटी रखनी होती है मैंने वो भी रिव्यू किया हुआ है। और ब्रिटिश फेयर एंड डार्क स्किन टोन के लिए कितने मिनट जो है आपको अपनी स्किन के ऊपर ब्लीच को रखना चाहिए उसका भी मैंने सारी डिटेल ऑलरेडी दे रखी है। तो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी ब्लीचेस के मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर चेक कर सकती हैं। तो चलिए, आज मैं बात करने वाली हूँ इस ब्लीच के बारे में, टी बी सी बाय नेचर ऑर्गेनिक। गाइस, यहाँ पर ऑर्गेनिक लिखा हुआ है, मे बी लाइट की वजह से शायद ना दिखे। ऑर्गेनिक, ओके। चारकोल ब्लैक फेशियल ब्लीच। सो गाइज, ये एडवांस प्योरीफाइंग, ओके। टी बी सी जो है अभी थोड़ा न्यू ब्रांड है बट यहाँ पर काफ़ी वेल नोन है और रिजल्ट जो है सच में काफ़ी सुपर देता है, जो आप इनके फेशियल्स की बात करें, चाहे आप इनके ब्लीचेस की बात करें। दूसरा अगर मैं बताऊँ तो चारकोल, चारकोल आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है गाइज, तो एज वी ऑल नो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है। उसके बाद इंस्टेंट रिजल्ट इन 7 मिनट्स, तो ये कितना 7 मिनट्स में रिजल्ट देता है और कितना नहीं, तो इसका खुलासा जो एट द एंड ऑफ द वीडियो होगा, कि एट द एंड ऑफ द वीडियो जो है मैंने आपको प्रैक्टिकल भी दिखाया है। उसके बाद जो इसे कुछ क्लेम है तो वो हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डीप क्लिनजिंग, केस ये बिल्कुल डीप क्लिनजिंग करेगा, बिकॉज चारकोल है, डीप क्लिनजिंग करता है। कोई भी ब्लीच जो है डीप क्लिनजिंग का काम करती है, डिटॉक्सिफाइंग करेगा गुड। उसके बाद इन्होंने लिखा है टाइटन करता है आपकी पोर्स को, ओके। ऑयल एंड एक्ने कंट्रोल, यस, जो लाइक चारकोल है वो हम सब जानते हैं कि ऑयल कंट्रोल करता है, और जब ऑयल ही नहीं होगा तो एक्ने जो है आपकी स्किन पर बहुत कम होंगे, तो बिल्कुल ऑयल एंड एक्ने कंट्रोल ही करता है। उसके बाद है रिमूव द ब्लेमिशेस, तो ब्लेमिशेस तो बिल्कुल कोई भी हमारे स्किन के ऊपर डार्क धब्बे थोड़े होते हैं, तो ये बात सच है कि जो ब्लीच है वो उनको एनलाइटन करती है, वो उसको लाइट करती है। लेकिन अगर मैं एक बार में बोलूँ कि आपकी जो ब्लेमिशेस है वो सिंगल या टू टाइम्स में चली जाएंगी, सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये इस ब्लीच से क्या किसी ब्लीच से पॉसिबल नहीं है गाइस। उसके बाद रिमूव ब्लैक हेड्स, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ब्लैक हेड्स का प्रॉब्लम नहीं है, मुझे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, तो मुझे प्रॉब्लम है व्हाइट हेड्स का, मुझे ब्लैक हेड्स का बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है गाइस। और दूसरी बात, ये ब्लैक हेड्स रिमूव कर पाएगी या नहीं मैं जानती नहीं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी ब्लैक हेड्स रिमूव करने इतने आसान नहीं है, बिकॉज ब्लैक हेड्स हम तभी रिमूव कर पाते हैं या तो हम जो टूल है उसकी हेल्प से निकालें, या फिर कोई ऐसा मास्क जिसको हम स्ट्रेच करें तो वो हमारे पोर्स से सभी डर्ट को निकाल दें। तो ये एज अ फेस पैक की तरह हम इसे फेस पर लगाते हैं, तो स्ट्रेच होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सो आई डोंट थिंक सो गाइस कि आपके ब्लैक हेड्स निकाल पाएंगे अच्छे से। उसके बाद ये देखिए ऑर्गेनिक है, तो इसमें मैं आपको चीज़ें बता दूँ जो ये क्लेम करते हैं ऑर्गेनिक होने के बावजूद, कि देखिए बिल्कुल कि ये सिलिकॉन फ्री है, विच इज़ वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा। LLP फ्री है, बहुत बढ़िया बात है। पैराबिन फ्री है, गुड। नॉट टेस्टेड ऑन द एनिमल्स, गुड। फ्रेगनेंस फ्री है, गुड। एंड इको सर्टिफाइड है। तो ये चीज़ें जो इसके बेनिफिट्स में ये 6 क्लेम कर रहे हैं, ये सुपर है। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी गाइज कि आप ये ज़रूर ज़रूर परचेज करें। जो इसका प्राइस है गाइज वो 70 रुपीज़ है। ये मैन्युफैक्चरिंग डेट से आपको, आप इसे 2 ईयर्स तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडियन ब्रांड है, विच इज़ ऑल्सो गुड। एंड इसमें आप जानते हैं आपको जो मिलेगा लाइक ब्लीच क्रीम, चारकोल ब्लीच क्रीम, एक्टिवेटर एंड स्पैचुला, ओके, एंड 1 ट्रे फॉर मिक्सिंग। तो ये इसके बेसिक इसका कंटेंट रहेगा। एंड वो नो लिखा हुआ दैट आप एक बार प्लीज़ पैच टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, आप एक बार पैच टेस्ट कर लीजिए अगर आपको कहीं पर करना है, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो। वैसे मुझे तो आज तक सच कहूँ तो किसी भी ब्लीच ने कभी प्रॉब्लम नहीं किया है, एंड मैं हमेशा अलग अलग ब्लीचेज जो है मैं लाइक यूज़ करती हूँ ताकि आप लोग कर सकूँ। और इसका जो प्रैक्टिकल है इस वीडियो में आप बने रहिए, एट द एंड आप वीडियो देखेंगे, बहुत सुपर रिजल्ट आने वाला है, लेकिन 7 मिनट वाला अभी भी बाकी है। तो देखिए गाइस, ये मेरी टीपीसी की जो ब्लीचिंग क्रीम है ये वाइट कलर में है, ठीक है। तो ये मैंने डाल दी, और अब मैं ये डाल रही हूँ एक्टिवेटेड पाउडर, ये ब्लैक कलर में मैंने इस तरह से हिमालय की उसमें डाल रखी है, बिकॉज फिर काफ़ी ज़्यादा होता है। अब मैं इसे अच्छे से गाइस, लाइक मैंने 1 पिंच डाला है, और अब मैं इसे काफ़ी अच्छे से मिक्स कर दूँगी, और देन मैं इसे 2 मिनट्स के लिए रख दूँगी ताकि जो हमारा एक्टिवेटेड पाउडर है वो एक्टिव हो जाए। सो मुझे वीडियो यहाँ शूट करना पड़ा।
तो गाइज ये देखिए मैंने जो अच्छे से ब्लीच है अप्लाई कर ली थी अपने नेक पर भी एंड फेस पर भी, उसके बाद मैंने इसे थोड़ी देर के लिए रखा एंड देख सकते हैं इसने अच्छे से मेरे जो फेशियल हेयर है ब्राउन कर दिए है, हो सकता है कि शायद आपको फोटो में ना दिख रहा हो। एंड जो 7 मिनट्स वाला चैलेंज था गाइज वो बिल्कुल भी काम नहीं किया, तो वो बिल्कुल फेल है, बिल्कुल भी